बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से मैं हूं अदील मुमताज। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इलेक्शन तारीख के लिए हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू। इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी को एक हफ्ते में मुज़ाकरात का अमल मुकम्मल करने की हदायत। गुज़िश्ता रोज़ मुलाकात में हुकूमती वफ्द ने सितंबर में इलेक्शन के लिए रजामंदी जाहिर की थी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक PTI के 3 मुतालबात मानने पर कोई हुकूमती इत्तेहादी राजी नहीं हुआ। मुज़ाकराती बैठक से पहले दोनों वफूद की चेयरमैन सेनेट से मुलाकात। हुकूमत फौरी असम्बली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात होगी। इमरान खान की गैर रस्मी गुफ्तगू। सितंबर में इलेक्शन पर मुज़ाकरात की कोई ज़रूरत नहीं। दीगर दो असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो जॉइंट इलेक्शन पर रजामंद हैं। अब बाल हुकूमत के कोर्ट में है। बगावत के मुकदमे में 3 मई तक इमरान खान की अबूरी जमानत मंजूर। दफा 144 की खिलाफवर्जी पर PTI के मुतअद्दिद कारकुनान गिरफ्तार। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के मुतालबात का कोई सर पौ नहीं होता। PTI की गुज़श्ता 20 बरस से डिमांड सबके सामने है। शाहिद हकान अब्बासी कहते हैं कि मुज़ाकरात वो कामयाब होते हैं जो नेक नीति पर हों। क्याम अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। कहा मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन का क्या मुमकिन नहीं। खित्ते में अमन के लिए हमसाए ममालिक के साथ मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। तमाम ममालिक से दोतरफा मुफादात की बुनियाद पर मुस्बत ताल्लुकात चाहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इदारों को बगावत पर उकसाने के केस में इमरान खान की हिफाजती जमानत 3 मई तक मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इमरान खान को 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। हेडलाइंस आपने जानी अब रुख करते हैं तफसीली खबरों की जानेब। आपको बताएं कि दादू के शहरियों ने A1 TV से बात करते कहा है कि दादू शहर में मेन प्राइमरी स्कूल की दीवार के साथ गंदगी के ढेर लग गए हैं। गंदगी और बदबू की वजह से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे परेशान हैं। गंदगी की वजह से मोहल्ले वाले मलेरिया और दूसरी बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं। दादू पब्लिक हेल्थ म्यूनिसिपल को करोड़ों रुपए का बजट होने के बावजूद सफाई का अमला गायब है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर दादू सेशन जज दादू से शहर के मेन प्राइमरी स्कूल की दीवार के साथ गंदगी के ढेर की सफाई का मुतालबा कर दिया है। मैं भी यहाँ मौजूद हूँ दादू के मेन प्राइमरी स्कूल के सामने। तो यहाँ स्कूल के सामने ये गेट के साथ यहाँ म्यूनसिपल इंतजामिया की तरफ से ये कचरा यहाँ फेंकते हैं। तो यहाँ मौजूद शहरियों से पूछते हैं कि इस बारे में वो क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम गुलाम मुस्तफ़ा है। मैं इसमें इधर रहता हूँ, इस गली में रहता हूँ। हमारे इधर दिन रात बदबू आती है और कुत्ते खड़े रहते हैं, बच्चे हमारे गुजरते हैं या बूढ़िया औरतें गुजरती है या मर्द गुजरते हैं, बड़े कुत्ते हमें भी तंग करते हैं। और पड़ोस वालों को भी मना, ये एक मौका मिल जाता है कि जिसकी भैंसें हैं वो देखो गोबर फेंक जाते हैं, और कासाई जो हमारे इधर मच्छी मार्केट में है, बकरी वाले जो बकरी काटते हैं, मना वो भी कितना इधर फेंक जाते हैं, उसको मना ये मिल जाता है कि भाई हम भी इधर कचरा फेंकें। और ये म्यूनसिपल वालों का ये डीपू बना हुआ है, माना पूरे दादू का कचरा ये दादू की दीवार के साथ, स्कूल के दीवार के साथ फेंक जाते हैं। इधर बच्चे 250 बच्चे पढ़ते हैं, उसको बदबू आती है, हम पड़ोसी वालों को बदबू आती है रात को, किसी टाइम हवा का कहाँ का रुख है, कभी कहाँ का है। लेकिन हमारे लिए ये बड़ा अजाब है। हमने 2-4 दफ़ा पहले भी बोला है कि भाई प्लीज़ ये कचरा उठवाए, कचरा उठवाए, लेकिन हमारी कोई सुनता नहीं। यही मुतालबा करते हैं MNA MPA से, या जो हमारे बड़े असेंबली में बैठे हुए हैं, और आप खुद बोलते हैं कि भाई हम दादू को ये बना दिया, वो बना दिया, क्या बनाया, ये बनाया, कचरा दिया, दे के हम हमको बदबू दे के हमको ये दादू मना एक बड़ा बना दिया, कुछ नहीं किया, सारा पैसा अपने पैसा जो अपने पेट में हड़प किया और ये हमें कचरे की बदबू दिया और कुछ नहीं दिया। ये जो है ना, ये तो सरासर जो है नाइंसाफ़ी है। ये बच्चे बेचारे ये पढ़ते हैं इधर, और उसके इधर बीमारी होती है और तमाम मजबूरी है, इतनी तकलीफ़ है, और इनमें से बीमारी हो जाती है। इंसान, हर इंसान परेशान है। शहर की हालत देखो, रोज रास्ते बिल्कुल टूटे पड़े हैं, ऐसे ऐसे ढेर लगे पड़े कचरा, और मच्छर इतना ज़्यादा है। तो मेरे मुझे बताओ कितनी बीमारी हो जाती है, बहुत तकलीफ़ है। तो ये महल्ले वालों को बदबू आती होगी? बिल्कुल तकलीफ़ होती है ना, क्या करें, किसको दाद, किन्हीं को बोले, जो भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। जो भी MPA MNA जो वोट लेते हैं वो गायब हो जाते हैं, किन को दाद है, गरीब लोग हैं वो किन को बोलेंगे। अब क्या मुतालबा करेंगे? हम बोलते हैं कि सफाई हो जाए,
सर ये हमारे जो है ना इंतजामिया आप खुद देख रहे हैं, हमारा जो दादू का निज़ाम, बस दादू बोल रहे हैं बाकी दादू तो है नहीं, ये बराड़ी का बिल्कुल माहौल बन गया है अभी यहाँ पे, तो ये बराड़ी बस बिल्कुल ये बराड़ी का टाइप निज़ाम है, यहाँ पे शहर का तो कोई सिलसिला ही नहीं है। शहर में देखा जाता है कोई भाई आप जाएँ शहर, कोई कराची में जाएँ हैदराबाद में जाएं। हमारा बच्चों का स्कूल है शहरी निज़ाम का शानी मोले का जो है ना बिल्कुल मेन मरकज जो है ना ये स्कूल है, ये स्कूल के साथ साथ हमारे बच्चे गरीब गुरबे के बच्चे हैं, ये बीमारियों का ढेर बना हुआ यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये तो पूरे शहर की बेइज्जती है। आपने सुनी यहाँ मौजूद शहरियों की बातें इसलिए और यहाँ से किचरा उठाए, मैं बनूंगा आपकी आवाज़ सब पे नजर अंदर की खबर। A1 टीवी दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान मला। A1 टीवी के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही, मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी सब पे नजर अंदर की खबर।